Hey everyone, today we are going to discuss about the image formation by using convex mirror. In our previous classes, we discussed the image formation by using concave mirror, their uses, and we learned the nature, position, and size of image by using ray diagram and also in tabular form. Now we discuss image formation by using the convex mirror. अभी तक दो तरह के मिरर हमने डिस्कस किए, कंकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. कंकेव मिरर जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं. कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पर रे ऑफ लाइट आकर मिलेगी और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी, फैलेंगी, स्कैटर होंगी. ठीक है, फैलेंगी, एक पॉइंट पर नहीं मिलेगी. ठीक है, कंकेव मिरर के यूजेस हम कर चुके हैं. कंकेव मिरर में दो तरह के, टोटल हमने सिक्स केसेस डिस्कस किए, दो तरह की इमेज उसमें बनती है, रियल और वर्चुअल इमेज. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप पोल के नियर लेकर आओगे, जो इमेज है वो इनलार्ज होती रहती है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा. और जो लास्ट केस था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, वहां पे जो इमेज है वो कैसी मिली थी आपको, वर्चुअल एंड डायरेक्ट. बट इन अदर केसेस आपको जो इमेज है वो कैसी मिली थी, वर्चुअल, सॉरी, रियल एंड इन्वर्टेड. आज के केस में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर में हम दो केसेस ही डिस्कस करेंगे. कन्वेक्स मिरर जिसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, इसके हमने सिर्फ दो केस डिस्कस करने हैं. क्योंकि कन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस कर लो, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी. वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है बेटा, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती. यहाँ पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट जो है वो मीट नहीं करती, इनको इमेजिनरी इंटरसेक्शन कराना पड़ता है एक पॉइंट पर टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो चलिए पहला केस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस में आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, इन्फिनिटी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, पहले कन्वेक्स मिरर को देखिए. कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ये होता है कुछ इस तरह से. कन्वेक्स मिरर इसमें जो है पॉलिशिंग वो इस तरह से होती है, इनवर्ट, अंदर की तरफ इसमें पॉलिशिंग होती है. और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ होता है, आउटवर्ड. ठीक है, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट ऐसे टकराएगी और यहाँ पे इसको टकराने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे जितनी रेज आएंगी वो इस तरह से मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. तो यहाँ पे ये रेज कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये रे इधर चली गई और ये रे इस साइड आ गई, ये रे इस डायरेक्शन में गई है और ये रे इस डायरेक्शन में, तो ये कहीं पर भी मीट नहीं करेगी. तो जब ये मीट ही नहीं करती तो आप इमेज कैसे लोगे. तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन्स को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट केस. फर्स्ट केस क्या है बच्चे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है. तो ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ये कौन सी सरफेस है इसकी, ये पॉलिशिंग सरफेस है. और ये जो आउटवर्ड वाली सरफेस है, दिस वन, ये कौन सी है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ की, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. क्योंकि हम रे ऑफ लाइट दो पॉइंट से ही पास कराते हैं, एक होती है प्रिंसिपल फोकस से और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से. नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, ये ए बी जो है ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया है. यहाँ पे कहाँ रखे हैं हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कहाँ है बच्चे, इन्फिनिटी पर. यहाँ से ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के होते हुए ट्रेवल करेगी, ये दिस वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे भी क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. और आपको पता है जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो किस पॉइंट पर जाके मिलती है, प्रिंसिपल फोकस पर जाके मिलेगी. तो यहाँ पे ये मिरर को स्ट्राइक की, ये मिरर को स्ट्राइक करने के बाद कुछ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो गई और ये नीचे वाली ये रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हुई. तो अब हमें इमेज चाहिए, इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ करेंगे जो कहाँ मिलेगी बच्चे, इस तरह फोकस पर. सिमिलरली इसको भी आप इस तरह बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस कीजिए और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर मिली है. तो यहाँ पे कहाँ मिली आपको इमेज, फोकस पे, ये तो आपको पता था. व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ मिलेगी, फोकस पर. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी पोजीशन, इसमें भी आपको तीनों केस लिखने हैं, नेचर लिखना है, पोजिशन लिखना है और साइज लिखना है. तो यहाँ पे बात की जाए पोजिशन की, तो पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ है बेटा, फोकस पर. ठीक है, देन इसका नेचर देखा जाए और इसका साइज, साइज देखो बेटा बिल्कुल एक पॉइंट. तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनी है. नेचर की बात की जाए तो इसका नेचर कैसे बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट.
नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया हमने, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया एट सम डिस्टेंस बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी नहीं बोल सकते, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी यहाँ पे इस साइड प्लॉट करो तो ये इंफिनिटी और पोल इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम सी का नाम नहीं देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम नहीं देंगे इसको, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, क्योंकि बाकी केसेस भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हमने कनकेव मिरर में सिक्स केसेस डिस्कस किए थे, ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, देन बियॉन्ड सी, देन एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे हम सिर्फ दो ही केसेस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन बाकी केसेस में भी जो इमेज है वो कैसे बनने वाली है, वर्चुअल और इलेक्ट्रिक ही बनने वाली है। तो सेकंड केस हमने क्या लिया बेटा, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अगेन मिरर ड्रॉ करेंगे, मिरर ड्रॉ करने के बाद ये इसकी पॉलिशिंग सरफेस है, दिस वन इज अ पॉलिशिंग सरफेस, और ये कौन सी है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए बी रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट, पी रिप्रेजेंट्स द पोल, एफ रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस, एंड सी रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारे पॉइंट्स कौन से एक्सिस पर हैं बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं। ये रेस आपकी ट्रेवल करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक इन दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में गई है, ठीक है। इसको इमेजिनरी हमने प्रोड्यूस किया, तो ये रे कहां मीट करेगी बेटा, एट एफ, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, और ये कहां मीट करेगी आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पर, एफ पर। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करानी है, ये रूल हम स्टडी कर चुके हैं, एक बार आप फिर से जब इमेज फॉर्मेशन करने बैठो एक बार रूल्स को आप पढ़ लो। तो यहां से ये रे पैरेलल टू ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करानी है, तो ये हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे, ये इस डायरेक्शन में आ रही है और इसी को रिट्रेस बैक करे। तो अब यहां तो ये रिट्रेस कर गई, इसको भी इमेजिनरी आप इस तरह से प्रोड्यूस कीजिए लाइक दिस वन, ये, और ये जो थर्ड रे आपको ये दिख रही है ये क्या है बेटा, ये नॉर्मल है, ठीक। अब जब आप इसको ड्रॉ करोगे आप देख रहे हो ये दो रेस यहाँ पे मिलती हैं, कौन कौन सी, प्रिंसिपल फोकस वाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली। जहां पे ये दो रेस मिलेंगी वहां पे क्या मिलेगी आपको, सब्जेक्ट की इमेज। तो ये मिली है आपको इमेज। अब साइज आपको पता चल गया, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज कैसे बेटा, छोटा है, ठीक है। तो बड़े ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। ए बी रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां पे बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है। कैसी बनी है, सीधी इमेज बनी है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनी है, और बिहाइंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड दूसरी साइड पे बनी है, सेम साइड पे नहीं बनी। तो ये कौन सी इमेज है आपकी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और कैसी है, कहां बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये थे आपके दो केसेस। अब इन दोनों केसेस को हम टेबुलर फॉर्म में भी स्टडी कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म में देखिए कहां रखा हमने ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट केस एट इन्फिनिटी, पोजिशन कहां थी बेटा, फोकस पे, और कहां है, बिहाइंड द मिरर, सेम साइड पे नहीं बन रही है, मिरर के दूसरी साइड पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कैसी थी, बिल्कुल एक पॉइंट साइज, और उसको क्या बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही धुंधली सी छोटी सी इमेज, और नेचर कैसा है उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट केस हमने लिया बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, तो इमेज कहां थी, पोजीशन कहां थी, बिटवीन पोल एंड फोकस, एंड अगेन बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ पे साइज आपने कंपेयर किया दोनों का, तो इसका जो साइज है इमेज का वो छोटा है, कैसी है, डिमिनिश्ड साइज है, और नेचर कैसा है इसका बच्चे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेगी, और इसकी पोजिशन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है एक पॉइंट है बेटा यहाँ पे, दैट इज वी कैन सी फुल इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज किया जाता है, अभी आपने ये केस मैंने अभी आपको बोला था कि छोटे से ऑब्जेक्ट की, इतने बड़े ऑब्जेक्ट की ये छोटी इमेज आपको यहाँ पे मिल रही है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट और ये छोटी इमेज। तो टॉल बिल्डिंग या ट्री की अगर आपने एक मिरर में इमेज ऑब्टेन करनी है तो वहां पे आप कौन सा मिरर यूज करोगे, वी यूज द कन्वेक्स मिरर। अगर फुल इमेज आपने लेनी है और तो वो फुल इमेज किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी ट्री की, फुल इमेज ऑफ बिल्डिंग और ट्री, टॉल बिल्डिंग एंड ट्री, किसकी हेल्प से ले सकते हो, कन्वेक्स मिरर की हेल्प से आप ऑब्टेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेस को देख लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर आर यूज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट
मैग्नीफाइंग ग्लासेस में ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस से हम कहाँ यूज करते हैं, छोटे छोटे लेटर्स को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। तो वो बड़े उसको देखने के लिए किसका यूज किया हमने, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर दिया, किसकी हेल्प से, कन्वेक्स मिरर की हेल्प से। सनग्लासेस में कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं, सनग्लासेस में क्या पर्पस होता है कन्वेक्स मिरर का, जितनी सनरेज आएंगी, सनरेज तो सनग्लास को स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, उन सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए किसका यूज किया सनग्लासेस में, कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट, इट इज यूज इन रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। ये क्वेश्चन भी आप से पूछा जा सकता है कि रेयर व्यू मिरर में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, या ऐसे पूछ लेंगे व्हाई कन्वेक्स मिरर इज यूज इन रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। जो आपके ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनका जो रेयर व्यू मिरर है उसमें कन्वेक्स मिरर को यूज क्यों किया जाता है। तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, जो आपके बिहाइंड जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी सीधी इमेज आपको मिलेगी, और ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज अ रेयर व्यू मिरर। क्यों, क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाएगा, और साथ में आपको एक वाइड फील्ड, वाइडर एरिया ऑफ फील्ड प्रोवाइड करेगा टू व्यू, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट डिस्कस करें, इट इज यूज्ड इन एटीएम एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब एटीएम में अपने अगर ऑब्जर्व किए कि टॉप में आप अगर कभी नोटिस किया है वहां पे कौन सा मिरर लगा होता है, बेटा कन्वेक्स मिरर। उस मिरर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपके बिहाइंड जो पर्सन खड़ा है, आप उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कहीं वो आपको नोटिस तो नहीं कर रहा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आप उसकी एक्टिविटीज पर ध्यान दे सकते हो। तो कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज करते हैं, एटीएम में यूज किया जाता है फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट्स में एज अ रिफ्लेक्टर इसका यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, वहां पे फैलेगी, एज अ रिफ्लेक्टर किसका यूज करा बच्चे हमने, कन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर, हेंस कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन मैग्निफिकेशन ग्लासेस, सनग्लासेस, रेयर व्यू मिरर, एटीएम एंड स्ट्रीट लाइट। यहाँ पे किसका यूज किया है बेटा हमने, कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा इसके। डिफाइन, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। इसमें आपको क्या लिख कर आनी है, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिखनी है। आपके साथ ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने स्फेरिकल मिरर वाली चैप्टर, जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर एंड देयर रिलेटेड टर्म्स, आप वहां से प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमने लिखा था, आर इज इक्वल टू टू एफ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ रिप्रेजेंट्स द फोकल लेंथ। अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, कितने गिवन है, 20 सेंटीमीटर, तो पुट कर दीजिए आर के प्लेस पे 20, 2 एस एच और एफ आपको कैलकुलेट करना है। यहां से जब आप एफ को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ मिरर दैट गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको एक मिरर बताना है जो कैसी इमेज देगा, इरेक्ट देगा और इनलार्ज इमेज देगा। अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि इरेक्ट इमेज आपको किस में मिलती है, कन्वेक्स मिरर में मिलती है, ठीक है। लेकिन साथ में आपको बोला है कैसी इमेज होनी चाहिए, इनलार्ज इमेज होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए उसका, बड़ा, ठीक। अब साइज हमें कन्वेक्स मिरर में तो डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, इनलार्ज इमेज तो नहीं मिलती, तो यहाँ पे कौन सा मिरर है आपका, दिस इज द कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do we prefer convex mirror as a rear view mirror in vehicle? ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, क्यों करते हैं, क्योंकि ये आपको इरेक्ट इमेज देता है, डिमिनिश्ड इमेज देता है, और साथ ही एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, वाइडर एरिया आपको प्रोवाइड करेगा टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड यू,